आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर गंदी हैंडराइटिंग क्यों लिखते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आपने कई बार सोचा होगा कि डॉक्टर इतनी गंदी हैंडराइटिंग ही क्यों लिखते हैं, वो दवाइयों के नाम अच्छी राइटिंग में भी तो लिख सकते हैं। आपने इंटरनेट पर डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को लेकर कई जोक भी सुने होंगे, लेकिन ये कोई जोक नहीं है। आइए जानते हैं आखिर क्यों डॉक्टर्स गंदी हैंडराइटिंग लिखते हैं। डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली गंदी हैंडराइटिंग के पीछे कोई बड़ी बात नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक जब डॉक्टर्स से पूछा था कि हर डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में इतनी अजीब हैंडराइटिंग क्यों लिखते हैं, तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है। हमने डॉक्टर बनने से पहले बहुत मेहनत की है, जिसके कारण हमें बहुत ही कम समय में बहुत सारे एग्ज़ाम देने पड़ते थे। इसलिए समय बचाने के चक्कर में हम बहुत ही तेज़ी से लिखते थे। इस कारण ही हमारी राइटिंग बहुत अजीब हो गई है। डॉक्टर्स का यह भी मानना है कि अगर आप भी बहुत तेज़ी से लिखना शुरू कर दें तो आपको भी डॉक्टर्स द्वारा लिखी गई हैंडराइटिंग समझ में आने लग जाएगी। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हर साल 7,000 लोगों की मौत डॉक्टर्स की गंदी हैंडराइटिंग के कारण ही होती है। क्योंकि डॉक्टर्स जो हैंडराइटिंग लिखते हैं वो मेडिकल स्टोर वाले को समझ में नहीं आती है, वो सिर्फ डॉक्टर द्वारा लिखे पहले अक्षर के मुताबिक ही दवाई देते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।